हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले तो हम ये जानेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये इक्वली स्पेस्ड हों और इक्वली लेंथ हों, और यहाँ पे मतलब सब जगह पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम होनी चाहिए। इसका मतलब है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस किया जो एक एंगल बना रहा है थीटा इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ। ये जो डायरेक्शन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और डायपोल हमें पता है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, और इनका डिस्टेंस क्या है 2a। तो हमने एक डायपोल प्लेस किया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे फोर्स लगेगी। जब एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वहाँ पे फोर्स लगती है, और वो फोर्स होती है एफ इक्वस टू क्यू ए। तो यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज की जो डायरेक्शन रहेगी वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के इक्वल होती है, सेम डायरेक्शन में होती है। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट फोर्स रहेगी वो प्लस क्यू ई रहेगी, और यहाँ पे जो फोर्स लगेगी वो यहाँ पे माइनस चार्ज है, माइनस क्यू है यहाँ पे, तो माइनस क्यू की जो डायरेक्शन होती है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। तो यहाँ पे जो फोर्स होगी वो माइनस क्यू ई रहेगी। अगर हमें नेट फोर्स निकालना है, नेट फोर्स निकालनी है इलेक्ट्रिक डायपोल पे, तो नेट फोर्स कितना रहेगा, एक बार माइनस क्यू ई मिल रहा है हमें और एक बार प्लस क्यू ई, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। अब हमें दिख रहा है जो ये फोर्सेज हैं माइनस क्यू पे और प्लस क्यू चार्जेस पे, ये क्या हैं, इक्वल हैं और अपोजिट हैं। ये माइनस क्यू ई है और ये प्लस क्यू ई है, इक्वल और अपोजिट फोर्स जब एक डायपोल पर लगेंगे तो ये डायपोल रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। अब जब डायपोल रोटेट करेगा तो वहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आइदर फोर्स। आइदर फोर्स का मतलब है कोई सी भी फोर्स ले सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड लेना है इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे। ये हमने एक परपेंडिकुलर डालिया है, नेमिंग रख देते हैं इस पर, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये हमने पी पॉइंट मान लिया, सी भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। तो यहाँ से हम मिला देंगे, तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर में हाइपोटेनियस, ठीक है। अब परपेंडिकुलर कितना है AP, परपेंडिकुलर कितना है AP, और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 2A, तो AP की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2A साइन थीटा। तो यहाँ पे रख देंगे टॉर्क इक्वल्स टू हो जाएगा, टॉर्क इक्वल्स टू आइदर फोर्स, मतलब कोई भी फोर्स ले सकते हैं QE इन टू में 2A साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो Q इंटू में 2A क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, P से डिनोट करते हैं इसे, P इक्वल टू क्या होता है Q इंटू में 2A, तो यहाँ पे लिख आ जाएगा PE साइन थीटा। तो टॉर्क इक्वल टू क्या आ जाएगा PE साइन थीटा, और साइन थीटा पे क्या आएगा क्रॉस प्रोडक्ट, तो टॉर्क इक्वल टू आ जाएगा, इसे लिख सकते हैं P क्रॉस E वेक्टर की फॉर्म में। तो ये इसका फाइनल रिजल्ट है। अगर यहाँ पे क्या लिखा आए, अगर मैक्सिमम टॉर्क निकालना है तो मैक्सिमम टॉर्क कब आएगा, जब थीटा मैक्सिमम रहेगा और साइन मैक्सिमम कितने पे होता है 90 पे, यानी कि साइन 90 कितना हो जाएगा 1, साइन 90 कितना हो जाएगा 1, तो मैक्सिमम टॉर्क कितना आएगा पी ई। और मिनिमम फोर्स हमें कब मिलेगा, मिनिमम टॉर्क मिलेगा जब थीटा कितना हो 0, क्योंकि साइन 0 कितना होता है 0, और टॉर्क उस टाइम कितना मिलेगा 0। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक, आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।